मिले के टाइम खत्म। I'm just joking यार, guys relax। हम कोनो जेलर वेलर थोड़ो ना ही, हम तो बस ये बतावे आल रहने की सब लोग तुहार इंतजार कर रहल बाड़े। हम केहू के बताई नहीं ना कि तू यहाँ पर कोनो वजह से आयल बाड़े। मजा आई होगी ना पूरब से बात करके, अब मजा तो बाहर आई। एडिट यू ईगो रस्सी जल गई, बाकी बल ना गई। ये एटीट्यूड ईगो सब जाई। हमके पता चल गई बाकी तू पूरब से का बात करत रह। ओके बाकावे के कोशिश करत रहल ना कि वो आलिया से शादी ना करे। का भेल, वो ना सुनलस ना तोहर बात, ना देखलस ना तहार आंख में। अब तहार राज सबके पता चल गेल बा, तहार जादू अब केहू भी नहीं खे चले वाला। जादू? हाँ जादू, तहार जादू और तहार प्लान, इट्स ओवर। पूरब, तू बोलेला हमनी सबके। पूरब आप सब लोगों से कुछ कहे चाहत बा। कम ऑन पूरब। देखी आप सब तो जाना था नहीं कि हमार और आलिया की शादी फिक्स हो गई बा। पता बा बेटा, हमनी सबके पता बा। और आप लोग यह जाना था कब कि हम ही शादी कैंसिल कर दिले रहनी, कहे कि हम के और के प्यार में पड़ गई रहनी। बाकी वो प्यार ना धोखा रहे, एगो फरेब रहे, वो हमके धोखा देलस और छोड़ देलस। और अब हम जान गेल बानी कि आपन बा के पराया, जन हम गलती कैले बानी ओके सुधारल चाहते नहीं। आलिया प्लीज हमके माफ कर दा। देखा हम जानता नहीं हम तोरा के बहुत दुख पहुंचैले बानी, बहुत हर्ट कैले बानी, बट आई प्रॉमिस हम तोरा के खुश रखब। का तू सब कुछ भुला के हमके माफ करके एगो लास्ट चांस दे के तू हमरा से शादी करबू? वाह पूरब, ये तो बहुत ही अच्छा बात बा। हमने सब लोग तो ये चाहता नहीं कि आलिया की शादी जल्दी से हो जाए, लेकिन हमने के ये बतावा कि वो लड़की कह रहा है जकरा खातिर तू आलिया के मना कर ले रहा। हाँ हाँ, हमने के भी तो पता चले कि वो लड़की के है जे तोरा जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का के धोखा दे ल। हाँ बोले ना बेटा, कौन रहे वो लड़की जे दू गो दोस्त के बीच में दरार डाल दे ल। प्रज्ञा, प्रज्ञा तू चुप का है खड़ा बाड़ू? तरह का लागत बोले कि कैसन होगी, खूबसूरत होगी या फिर बहुत शातिर? पूछना पूरब से क्यों लेकी हा के, अब हमके तो नाम नहीं बताव। कब बहुत दिन बाद दोस्ती हो गई बना, तब भाव खा रहा बा, शायद तोहरा बोले पे वो बता दे। पूछा खैर छोड़ा, हो ही क्यों जब पूरब के पैसे के पीछे पड़ल होगी और पूरब से अमीर लड़का मिलल होगी तो पूरब के छोड़ दिया होगी बाना। हमारा ख्याल से ऐसे नहीं कुछ भैल बा। अब हमनी पूरब के हिस्ट्री के ज्यादा मिस्ट्री नहीं के बनावत। हमके तो यही बात के खुशी बा कि हमके हमारे बचपन के दोस्त मिल गए और आलिया के होके प्यार।
एंड आई एम श्योर यू लेकी जे भी होके ओकरा होके कैल के सजा मिल गई होगी बाना ठीक कह रहल बा अभी दू दिल और दू दोस्त के अलग करके ऊ लड़की भी खुश ना रह पाई करेक्ट दादी बाकी अब तो सब कुछ ठीक हो गल बा पूरब और आलिया के शादी हो रहल बा और ई सब हो रहल बा सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा के वजह से हाँ दादी ई लोग के शादी एकरा वजह से हो रहल बा यू आर एब्सोल्युटली राइट दादी लेकिन लेकिन ये बात आपके कैसे पता जौन दिन हम एके देख ले रही हम समझ गए रही कि एकर शुभ कदम जौन घर में पड़ी वो घर के तक किस्मत बदल जाई हाँ दादी कुछ बात तबाह एकर आँख में माना जैसे आँख में जादू होके प्रज्ञा बेटा तहार घर में आवते घर के खुशी लौट आइल बा अभी के ओकर दोस्त मिल गइल बा और आलिया की ओकर प्यार अब दोनों की शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाए पूरब हम तुम्हारी फैसला से बहुत खुश बानी यही से हम हूँ एगो फैसला ले ले बानी के जे तरह के धोखा दे ले बना हम ओके बर्बाद कर दे लेकिन उससे पहले तू दोनों के एंगेजमेंट करवाल बहुत जरूरी बा अब खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा बड़ा जा जाके बड़ा के आशीर्वाद ले अब पूरब उसे पहले आके प्रज्ञा से आशीर्वाद ला उम्र में भले ही तू दोनों से छोटी भी है लेकिन रिश्ता में तू दोनों से बड़ी ही है और वैसे भी तू दोनों के शादी इनकरे वजह से हो रहा बा पहला बार हमके तोर बात अच्छा लागल बा कि तो अपन बीवी के मान देवे लागल बाड़े Come on. काबिल बुरा लग रहा बना अपन बॉयफ्रेंड से पांव छुआ के हम तोरा के मौका दे ले रहनी पूरब से बात करके ओके कन्विंस करके कोशिश करके कि वो आलिया से शादी मत करे लेकिन वो तोहर बात ना सुनलस ना ई तहार हार है हम जानत बानी कि तू हमरा साथे ई सब गेम खेले के कोशिश कर रहा बड़ू ना तू हमरा साथे गेम तो खेल सकत बड़ू लेकिन ई गेम में हमरा हरा नहीं खेल सकत और एक बार ये पूरब और आलिया की शादी हो जाए ना ओकरा बाद ये सब का हो रहल बा पूरब आलिया से कैसे शादी कर सकत बा ये बात जब बुलबुल के पता चली तो ओकरा पा का गुजरी पहले ही पूरब बुलबुल खातिर अभी के दोस्ती छोड़ लग और अब एक और मुसीबत मोल ले विचार रहल बा बुलबुल खातिर पूरब कबो आलिया के साथ खुश ना रह पाई और ना ही बुलबुल खुश रह पाई पूरब के बिना हाय दी कैसन बाड़े तू हम ठीक बानी तू कहाँ बाड़े हम कितो से मिले के बा हम तो घर पर बानी लेकिन दी का भाई तू इतना टेंशन में काहे बाड़े हम मिलके बतावत बानी तू घर पर ही रही हां हम अभी आ रहल बानी तो से मिले बाकी तू बता इदी इतना टेंशन में काहे रहे कहीं पूरब घरे तो ना पहुंच गए 75 लाख ना बोल दे ना कर पाई भाई आई कॉल यू बैक हे थैंक यू सो मच भाई यू आर द बेस्ट आई कांट बिलीव कि पूरब सबके सामने शादी खातिर हाँ का देलक और वो बहन जी के देख ले रही ओके समझ में ना आवत रहे कि कहाँ देखी ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलल बना केहू के मुंह दिखावे लायक नहीं खे रहल होगी कई दिन तक ओकरा नींद तक ना आई
बाकी हम तो भाई चैन के नींद सूते वाला बानी। ऑल थैंक्स टू यू, यू आर द बेस्ट भाई। आप तो अपन प्रॉमिस पूरा कर देनी। अब हमार बारी बा, ऊ बहिन जी के हमके दादी के नजर से गिरावे के बा। का भाई बेटा, इतना घबराएल काहे बाड़ू और इतना जल्दी में कहां जा रहल बाड़ू? दरअसल ताई जी कुछ काम रहे से घरे जात रही, चलत पानी। भाई इतना जल्दी में घरे काहे जा रहल दिया? अपन पुराना याद मिटावे गई होगी। राइट भाई, आई एम श्योर कि पूरब के फोटो जलावे गई होगी या फिर अपन लव लेटर के समुंदर में बहावे गई होगी। कितना बार तू दोनों से कहले बानी कि बारिश में भीगा मत, लेकिन तू लोग बाड़ा के सुने ला हिया। कितना भीग के आई बाड़ा लोग, बीमार हो जी तो कहो की? बेटा मम्मी के बोला कि तबीयत खराब हो जाई तो पापा दवाई दिला दी है। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल से, वहाँ पे इतना लंबा लाइन होके ला ना वो दवाई देवे खातिर कि बीमारी अपने आप डर के भाग जाई। मिताली राज, काविल माँ परेशान का है बानी? पूछता ऐसे रहल बाड़ा जैसे सुनते ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देबा। अरे इतना कुछ हो रहल बाई घर में, बाकी तोके का तू तो घुसल रहा अपन दफ्तर के ये सब फाइल में। मम्मी जी अब ऐसा का हो गई घर में? एक बार पूरब दामाद बन के घर में जम गई ना तो अभी तक सवेरे सांझ ओकरे सुनी और हमनी हाथ मलत रह जाए। पीरू है राग, अकेला है पूरब, बाकी का किस्मत बा होकर, और हमार दू दू गो बेटा बा फिर भी सहारा ढूंढ रहल बानी। हे बाप, सहारा किकरा सहारा चाहिए? हम बानी ना, और वैसे भी जिम कहाँ जाइले? व्हाट, आई सेड समथिंग रॉन्ग? ना ना, तोर तक कोनो गलती ही नहीं खे, सब गलती तो हमार बा। अगर तोर बॉडी से ज्यादा तोर दिमाग पर ध्यान देले होके दी ना तो तू कुछ कर पाता। अरे पूरब के पहले तो हमनी के कुछ चांस भी रहे, और एक बार अगर पूरब एक घर में आ गई ना तो हमनी के फ्यूचर तो समझा पूरब से पश्चिम में अस्त हो जाए। दी का भाई तू ऐसे अचानक काहे आईले? सब ठीक तबा ना? तोरा से पूछल चाहत रही, तोर और पूरब के बीच में सब ठीक तबा? मतलब तू जान बड़ पूरब का कहला घर आके पूरा परिवार के सामने आलिया से शादी करे के खातिर हाँ कह गईलू? गॉड, हमके लागल कोनो बड़ा मुसीबत खड़ा कर देलक। दी हम जानत रही एकरा बारे में, हमके पता रहे। पता बा, मतलब तोके कोनो फर्क नहीं की पड़ती फैसला से? नहीं की पड़त दी फर्क, और काहे पड़ी? काहे की तोरा से प्यार करेला? प्यार ना कहला उदी हमरा से, ऊना हमके बस धोखा देले बा। वो आलिया के साथ ऑलरेडी इंगेज रहे, फिर भी वो हमके कुछ ना बतेलक, हमरा साथे साथे ही रिलेशन के भी अंधेरा में रखलक। और तू काहे सोच रहल बाड़े एकरा बारे में? हम ना एकरा बारे में सोचल बिल्कुल बंद कर देले बानी। दी जेकरा वजह से तोके आज ये दिन देखे पड़ रहल बा ना, हम ओकर शक्ल भी नहीं के देखल जाए। हमरा खातिर कर रहल बाड़े हिस्सा ए नहीं देख, हम जानत बानी तू हमार आंख में देख के झूठ नहीं की बोल सकत। देखे ने हमरा खातिर कर रहल बाड़े ने हिस्सा कर रहल बाड़े ना हमरा खातिर? हां दी, पूरा खातिर कर रहल बानी, माँ खातिर कर रहल बानी, और खुद खातिर भी कर रहल बानी। दी हम आपन खुशी खातिर पूरा परिवार के मुसीबत में नहीं देख सकत दी। और तू जानत बाड़ी हम रास्ता पर बिल्कुल न चलब जौन रास्ता पर हमार परिवार के खुशी न होके। पूरब के ना कहे से सब प्रॉब्लम शुरू भइल रहे ना दी, पूरब के हाँ कहे से प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ट्रस्ट मी। एकरा बाद ना अभी जीजू तो के ऐसा वाइफ एक्सेप्ट कर लिए, यह तो हम चाहत बानी दी। कब इतना बड़ हो गई ली तू? इतना बड़ फैसला, इतना बड़ कदम उठावे जा रहा है अलबाड़े सिर्फ हमार खुशी खातिर? हम तोर बड़ बहिन हो के चाह के भी तोरा ला कुछ नहीं की कर सकत। बुलबुल माँ इतना खुश बिया कि हम वहाँ ससुराल में खुश बानी, वहाँ दादी इतना खुश बाड़ी कि पूरब और आलिया की शादी हो रहल बा। हम तोर साथ देव तो उनकर खुशी के खिलाफ हो जाए, उनका साथ देव तो तोर खुशी के खिलाफ। I'm so sorry, दी हमरा कुछ समझ में नहीं आ रहा बुलबुल, हम चुपचाप कैसे देख ली कि तू हमरा ला अपन प्यार के कैसे? दी प्यार व्यार कुछ ना होला, तू ही कहत रहिस ना अगर होकित बिना तू आज सुरेश के साथ हो कितिस, वो अभी के साथ है ना दी?
हमरा लाना प्यार बस एगो सपना जैसन बा। आंख बंद करके महसूस करे तो सब कुछ अच्छा लगेला, लेकिन जैसे आंख खोला ना तो रियलिटी देखेला और बहुत तकलीफ होकेला दी। और प्यार इंसान के हमेशा कमजोर कर देला। और तोर बहिन कमजोर नहीं, बस एक बार पूरब और आलिया की शादी हो जाए ताकि तोर और अभी जीजू के शादी के कुछ ना होके। का होके वाला बा प्रज्ञा और अभी की शादी के? कहले रही ना हम कि जौन चीज हमार होकेला ओके हम हासिल करके रहिला। तोहरा का लगल कि कोनो राह चलत लड़की खाती तू आलिया के छोड़ देबा? नो वे मिस्टर पूरब खन्ना, नो वे। हम ऐसन होख ही ना देब। आखिरकार तू हमरा पास आ ही गई ना, का करी? हम तोहरा खातिर सब रास्ता जे बंद कर देले रही तो तोहरा तो हमरा पास आवे के ही रहे। बाय द वे पूरब, पूरब हमार प्लान कैसा लगल तहरा? जवन लड़की तहरा के आपन जाल में फसावत रहे ओके हम आपन जाल में फसा लेनी। कहले रही ना हम तहरा से पूरब कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ पैसा से प्यार करेले। प्रज्ञा के शादी भाई से भइल बा, अब तो तहरा विश्वास हो गेल कि हम सच कहत रही। और अगर अब हम चाहें तो उस सड़क छाप लड़की के हम ऐसे सड़क पे ला सकता नहीं। तो के जोन चाहत रहलो मिल गेला, ओकरा बारे में कुछ मत कहा। ओ सो स्वीट, अभी भी तहरा दिल में ओकरा खातिर इतना प्यार बा, इतना प्यार करेला ओकरा से कि अभी तक ये बात पे विश्वास नहीं के हो रहल। इतना रिस्पेक्ट ओकरा खातिर। अच्छा चल ये बतावा कि अंदर का कहत रहे? ये कहत होकी ना कि पूरब आलिया से शादी मत करा, मत कर आलिया से शादी। देखा आलिया, तो के जोन सोचे के बस सोचा। बाकी हमके तो बात करे के बना स्वीटहार्ट, जितना तकलीफ तोहरा के हो रहल बना पूरब उतना ही तकलीफ हमके भी भइल रहे। जब उस सड़क छाप लड़की खातिर तू हमरा के छोड़ ले रहा पूरब, काहे गुस्सा दिलावेला? यू नो आई लव यू राइट? और एगो और बात ध्यान से सुना पूरब, जितना जल्दी हो सके ना उन लड़की के अपन दिल और दिमाग में से निकाल के फेंक दा। अगर उन लड़की के शादी हम अपन भाई से करवा सकते हैं तो फिर ओकरा साथे और का कुछ नहीं की कर सकत पूरा। कौन लड़की की बात कर रहल बाड़ी तू? अभी के शादी तो प्रज्ञा से भइल बा। अच्छा भइला बा गइनी, समझाई अपन लाडली बेटी के। पता ना काका पुरान बात सोच रहला, हमके भी परेशान कर रहला। कह रहल बे जैसे ओकर पिछला रिश्ता टूटल बा ना वैसे ही शादी भी। हमें से कहनी है कि ई फिकर ना करे, एकर शादी बचावे खातिर ना हर मंगलवार हम सिद्धि विनायक जाए, है ना दी? है ना? काहे करेले तू ई सब? तोर पति तो तोरा से कितना प्यार करेला, फिर कौन बात के परेशानी बा बच्ची? ना माऊ, ओ ऐसे कबो कबो ना। कबो कबो भी तू काहे सोच ले सब? हम देखनी पुलिस थाना में, ओ तोके कितना अच्छा से समझेला, कितना प्यार करेला, फिर तू इतना काहे सोची ले? तोर जिंदगी में जितना भी बुरा दिन आवे के रहे ना, वो तोर शादी से पहले आके चल गई। अब तो हमार बच्ची तोर जिंदगी में खुशी ही खुशी बा। तू एकदम अचानक से कैसे आ गए ले? सब ठीक बा ना? और अभिषेक ना आए ले? अब ना मैं, दरअसल उनके कुछ काम रहे जरूरी। अच्छा तो तू अकेले आ गए ले? वो तो क्या अकेले आवे देला? रुक अभी खबर लेत बानी हम तोर पति के।
बेबी पिक अप द फोन। फोन? हेलो। हियर। हु इज इट? आई डोंट नो। बेटा जी, ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है भैया। आप अकेले कैसे प्रज्ञा के यहाँ पर भेज देनी? देखिए, आप अकेले भेज देले बानी, वो तो ठीक बात। लेकिन हम ओके वापस अकेले नहीं ही भेजे वाली। ठीक बा आंटी जी, तो आप उकरा अपना पास ही रख ली। मतलब? सच बोल अलबानी आंटी जी। तंग आ चुका अलबानी हम आपके बेटी से। आप ओके अपना पास ही रख ली। बेटा जी, ऐसा का भाई बात जी, आप ऐसे बोल रहे अलबानी? का नहीं की गले आंटी जी, वो पुलिस स्टेशन गई तो हमके फोन ना कैली, आज आपके यहाँ पे गई भी और हमके फोन ना कैली। जबकि जाने लेके उनका हमके कितना फिकर रहेला। अब आप एगो काम करी, अब ओके आप अपना पास ही रख ली। यह होकर सदाबा, अगर आप हमके ना बताई तो हमके लगत की हमारी बीवी कहीं भाग गई भी। एंड इट इज नॉट अ गुड फीलिंग आंटी जी। माना? देखिए आंटी जी, अगर आप हमके आपसे मिले बुलाइब ना तो हम आ जाए, लेकिन लेकिन हम ओके लेवे ना। उसे कह दिया कि वो खुद अपना आप ही आ जाए। बेटा जी, आप तो हमार जान ही निकाल दे ले रहे, ऐसे मजाक करने लगे हूं। शुरुआत तो आप ही कहले बनी ना। ठीक बा, आगे से मजाक ना करब। अच्छा, आप ना हमरा से मिले आ जाए। अब आंटी जी, आज थोड़ा मुश्किल हो जाए। कहना काम आज कुछ ज्यादा बा, परफॉर्म भी तो करे के बा, तो हम एक काम कर बनी के अगली बार हम आपके बेटी के लेके आई बा और के लेके भी जाए। आई प्रॉमिस यू, लेकिन आज प्लीज अपन बेटी के अकेले ही भेज दी। ठीक बा बेटा जी, आपके काम बात ओके आज हम भेज दे, लेकिन अगला बार अगर आप ना आई ना हमारे बेटी के साथ है, हम बता रहा बानी, हम प्रज्ञा के भेज अपना, इहे रख ले अपना पास। ओके रखत बानी आंटी जी। ओके नमस्ते। काश ऐसा हो जात। ओके भेज दो ओके घर। हाँ, एक बार आलिया की शादी हो जाए तो ओके खुद होकर घर छोड़ के आई। दादी के का कब? आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट। आलिया कहले भी है कि वो दादी के संभाल ली, और आलिया जे कह देना वो करके दिखावे ली। दादी, दादी आप तो जानत नहीं भाई के कितना लाखों फैन बाड़े, कितना लड़की मरे ले भाई पर, ओ में से ही एगो एकदम क्रेजी फैन रहे, मरत रहे भाई पर, हर वक्त फोन करत रहे, परेशान करत रहे भाई के, कहत रहे हमके शादी करे के बाप से। बाकी आप तो जानत नहीं कि भाई कितना स्वीट हवे, डायरेक्टली तो मना ना कर सकत रहे ना। अरे काहे कि लड़की रहे, इन्वेस्टर के बेटी रहे दादी, बड़ा प्रॉब्लम भइल दादी, कितना मुश्किल से उसे पीछा छूटल, जानत नहीं का करे के पड़त, और कोनो रास्ता ना रहे, हमके लगल भाई के जल्दी से शादी करवा देता नहीं, और कोनो अच्छा लड़की ना मिलत रहे। लेकिन दादी, जब आप प्रज्ञा भाभी के बारे में बतानी, तब हमके हमके लागल उनसे बेहतर तो भाई खातिर केहू हो ही नहीं खी सकत, तो फिर हम भाई के कन्विंस कैनी कि वो प्रज्ञा भाभी से ही शादी करस। कितना मुश्किल से वो क्रेजी साइको लड़की से पीछा छूटल दादी, आप जानत नहीं कि कितना प्रॉब्लम भइल बा। पूरब से पूछी, काहे पूरब ऐसा क्रेजी साइको लेके भी है ना। देखनी दादी। आलिया जी। दादी, तू अभी और प्रज्ञा की शादी करा के लाइफ में सबसे अच्छा काम कर ले पा रहे। जी दादी। तहार कॉफी गरम गरम। तू कल रात का कर रहा? राज, हमने कोनो रेस्टोरेंट में डिनर खाते जा रहल बानी का? ना, हमार फ्रेंड के घर पे डिनर बा। एकर मतलब म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में डिनर खाते जाए के बा? हम कहनी हमार फ्रेंड के घर पे डिनर बा। तो एक के बात भइल ना राज, तोहर फ्रेंड के उस सरकारी घर कोनो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस से कम बा का? तू तो ऐसे ही बुलबू, तोरा रहे के जोन इतना बड़ा घर मिल गेल बा, एक बार बाहर निकला देखा कि लोग कैसे जिए ले, कैसे गरीबी में रह ले, ओकरा बाद तोहरा मालूम चली कि पांच लोग बड़े जो ईमानदार बड़े, हमके मिला के छे जे हमनी घुस ना ले ले। तो आप छह लोग ही पार्टी कर लाना, वो पार्टी में हमारे का जरूरत बा, और हमके भी ऐसा डिनर पार्टी में आवे के कोनो जरूरत नहीं के, जहाँ फिश करी में फिश ही ना हो खेला, बिना फिश के खा ले वो लोग। तू हमेशा ऐसा नहीं करेगी, जब भी हमारे फ्रेंड के पार्टी खातिर बुलावे ले तू हमेशा नाटक करेगी। तो तू हमरा पे काहे गुस्सा कर रहा बड़ा राज, तू कौन हमारे फ्रेंड सबके पार्टी में आवेला आवेला का? अरे जाना तरह हम कितना इंसल्ट फील करीला, जब वो लोग तहार नाम लेके हमके ताना मारे ले। कौन सा पार्टी? तू ओके पार्टी कहलू जहाँ पे हमेशा लोग एक दूसरा के नीचे दिखावे की कोशिश करत रहे, ये जाने की कोशिश करे ले कि के कितना कमाला और कितना खर्च करेला, कि कहाँ घूमे गई थे, कितना महंगा ज्वेलरी पहन ले बा। तहरा का इतना इंसल्ट फील हो रहा बा, कहे कि तू ही सब चीज हमरा खातिर नहीं कर सकत। इतना बड़ा घर में रहला के बावजूद भी हम नौकर जैसा फील करीला,
हमरा बारे में तो तू आज तक ना सोचला, कम से कम अपन बच्चा सबके बारे में सोचा। अरे हम सोच ही ले। का सोचला? हां कॉन्वेंट स्कूल में तो उनके एडमिशन दिलाना पहला, सिर्फ ये सोच के कि अभी के सामने हाथ फैलावे के पड़ी। राज हम कैसे समझाई तहरा के कि आजकल के बच्चा लोग बहुत स्मार्ट बड़े, उनके एजुकेशन के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के भी जरूरत पा। हमने तो एजुकेशन ही नहीं की अफोर्ड कर सकते, तो बाकी चीज का करब। तू सरकारी स्कूल में पढ़ले बड़ा, एकर मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े। हमारी जिंदगी तो तू बर्बाद कर देला, लेकिन अपन बच्चा सबके जिंदगी हम बर्बाद ना होके दे, समझला तू? ना कुछ करके ना कुछ धर के बस बड़ा बड़ा बात बनावे के, ये केहू हमार पति से सीखे। ना तो अपने कुछ करेले ना हमके करे देवेले, और ना ही हमार काबू में आवेले। प्रज्ञा 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 तू कैसे कर ले वेलू ये सब? का अरे इतना सारा मर्द के एक साथ हैंडल कैसे कर ले वेलू? हमके तो हमार वाला ही ना संभलेला। का कह रहल बनिया, हमरा कुछ समझ में नहीं आ रहल। प्रज्ञा तू हमके कुछ टिप्स दे ना, जिससे हमके भी फायदा होके हम राज के अपन वश में कर सकी। कौन चीज के टिप्स? मर्द के हैंडल करे के। अरे हम राज के हैंडल ही ना कर पाईला, अगर राज हमार काबू में आ गई लेना, मतलब जे हम कहीं अगर वो करे लगे ना, तो हम तो तहर भक्त हो जाए। तू जे काबू हम उहे करब, तहर के सर आखन पे बैठाई। प्लीज प्रज्ञा। अरे यो हमार बात ना सुनलक, हमार हेल्प ना कैलक, हमार तो किस्मत ही फूटल बा, केहू ना समझेला हमके ई घर में। मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे कोई जल गया। वैसे जल रस्सी के बल गेल की अभी भी एटीट्यूड बाकी बा? वैसे तोहर जौन भी हाल बा आई रियली डोंट केयर। हम ई बात से खुश बानी के आलिया के शादी के डेट हमरा खातिर 15 अगस्त के डेट जैसन होगी। वहां पूरब और आलिया के शादी होगी और यहाँ हमके तरह से छुटकारा मिल जाए। वैसे कहाँ गए रहलू तू? अपना घर ही गए रहलू ना? पूरब के फोटोज और लव लेटर जलावे? So sad. Now ironic. वहां याद जल रहल बा और यहाँ तू। आपके नहीं खिलागत कि इस शादी से केहू के खुशी ना मिली। कौन ना खुशी के बात कर रहा बड़ू तू? वो खुशी के जेके तू हमार बहन से चिन्ह लो, या फिर वो खुशी के जगरा से तू जल रहा बाड़ू? जल रहा बाड़ू ना? वैसे वैसे तारा अंदर का चल रहा बा, हाउ आर यू फीलिंग एंड व्हाट आर यू फीलिंग? बुरा लग रहा बा ना तारा? तारा चेहरा देख के पता चल रहा बा कि तारा बहुत बुरा लग रहा बा। तो कौन बात के बुरा लग रहा बा तारा? ये बात के बुरा लग रहा बा कि पूरब ये शादी खातिर हाँ कैलस, या फिर ये बात के बुरा लग रहा बा कि तोहरा पूरब के याद जलावे के पड़ल, या फिर ये बात के बुरा लगल कि सबके सामने तार आशिक के तार पांव छुए के पड़ल? सबसे बुरा हमके आपके खातिर लगल, काहे कि जौन इंसान के और खातिर आपके छोड़लक, वही इंसान से आप अपन बहन की शादी करा रहल बानी। अब एक बार भी ना सोचनी कि जी अपन अपन सबसे अच्छा दोस्त से झगड़ा कर लेलक, वो वाकई केहू और से प्यार करत हो। अब एक बार भी सोचनी है कि पूरब आलिया से प्यार करेला भी कि ना? इतना बड़ बात आपके दिमाग में कैसे ना आई? तू ई खातिर कह रहा बड़ू कि तारा लागत बा कि पूरब अभी तोरा से प्यार करेला। अगर यही प्यार बता अच्छा भइल कि प्यार टूट गई और पूरब के तहार असली चेहरा के बारे में पता चल गई, कहे कि जब तक तू पूरब के जिंदगी में रहबू ना, पूरब आलिया के अपन सच्चा दिल से प्यार ना कर पाई। सच्चाई की तो आप नहीं की पहचान रहा, आपके ऐसा लग रहा है कि पूरब आलिया से प्यार करेला, लेकिन ऐसा नहीं की। अगर आप वाकई अपन बहन से प्यार करेला ना, तो मत होके दी शादी, कहे कि आलिया पूरब के साथ कब खुश ना रही, कहे कि पूरब केहू और से प्यार करेला। और एगो लड़की खातिर ऐसे ज्यादा बदकिस्मती की बात और कुछ ना हो सकेला। जब वो अपन पति की आंख में देखे तो ओकर आंख में केहू और के प्यार दिखे। ये लेक्चर जाके केहू और के दिया? हां जे खुद दूसर के साथ प्यार के खेल खेले ले, वो का जाने प्यार के बारे में? और तू ये सब ई खातिर बोल रहा बाड़ू, कहे कि तू पूरब की शादी ना करे खातिर कन्विंस ना कर पेलू ना? तब तू हमके हमार बहन के नाम लेके इमोशनल करे के कोशिश कर रहा बाड़ू, राइट? तू जानत बाड़ू के अब तोरा पास ना पूरब रहल और ना हम, और एक बार पूरब और आलिया के शादी हो जाए ना, ओकरा बाद तू जेबू अपना घरे। आप समझे की कोशिश करी, आप अपन जीत के आगे सच्चाई के नहीं की देख रहा, अपन बदला लेवे खातिर अपन बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा।
लाइफ से तू बर्बाद कर देले बाड़ू हमनी के। जब से तू हमनी की जिंदगी में आयल बाड़ू ना, सिर्फ दिल तोड़ले बाड़ू तू। पहले आलिया के, ओकरा बाद पूरब के, और अपना परिवार से भी झूठ बोलले बाड़ू तू। एंड रियली डोंट केयर अबाउट दैट। हमके बस ई बात के बुरा लग रहा है कि जब दादी के तोहार असलियत के बारे में पता चली ना, तो उनका दिल टूट जाए। बाकी सबके खातिर हम तोरा माफ भी कर सकता नहीं, लेकिन लेकिन दादी के इन सब में इन्वॉल्व करके ना, तू बहुत बड़ गलती कर देले बाड़ू। और हमके अफसोस ई बात के बाकी तोहार असलियत के बारे में हमके ही दादी के बतावे के पड़ी, और तोहरा उनका हर तकलीफ के हिसाब देवे के होगी, आलिया के हर आंसू के हिसाब देवे के होगी, और पूरब के दिल धोखा के भी हिसाब देवे के। पूरब की धोखा नहीं की देले। अरे धोखा तू ही देले बाड़ू, वो भी पैसा के लालच में। झूठ तू बोल रहल बाड़ू, तू पूरब के फसाई ले बाड़ू। नहीं की बोल रहल। पूरब के साथ प्यार के नाटक कैलू और ओकरा शादी के सपना दिखैलू। ऐसन कुछ नहीं की कैले हम। और जब तोरा हम दिख गइनी त तू पूरब के धोखा दे दे। धोखा नहीं की देले हम। अरे तू है बाड़ू लड़की जे। ना मुझे पूरब से प्यार करेले। तू पूरब से प्यार ना करेल, यह कहलू ना तू ठीक तक कहलू। तू ना सिर्फ अपना आप से प्यार करेल, तू केहू और से का प्यार करबो? और पूरब का, अरे तू केहू के प्यार के लायक नहीं को। और अपन ये खेल में तू जितना लोग के दिल दौड़ ले बाड़ू, उस सब के बदला ले बाम। वो हाल करब ना तार कि तू पैसा और प्यार दोनों के नाम से घबरेलू। तू ना हर के रबू ना हर के, तारा अपन होके के पछतावा होगी। आलिया, हे आप जाएं। सॉरी लास्ट शॉट में थोड़ा टाइम लग गई। दैट्स ओके। सो कांग्रेट्स, फाइनली तहार पूरब तहरा पास आ गई। जोन चीज तरह चाहत रहे उतरा मिल गई। ये बात के पार्टी तो चाहे। पार्टी तो मिली, लेकिन एंगेजमेंट के बाद। और प्लीज हाँ, एंगेजमेंट के तुरंत बाद शादी कर लियो। आई मीन ना तो ड्रामा चलत रही और हमके उस चश्मिश के बाहर निकाले के बाद। एक्सक्यूज मी, तहरा से ज्यादा जल्दी हमके बा। और वैसे भी हम भाई के इतना ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं ही देख सकत। ऐसे समझ ला कि काल से बहन जी के उल्टा गिनती गिने के वक्त शुरू हो गई बा। बहुत अच्छा प्लान करके रख ले बानी ओकरा खातिर। वैसे ऐसन का करे वाला बाड़ू तू? सुने में ना, देखे में ज्यादा मजा आई। दादी की नजर से ऐसन गिराब की कहीं भी मुंह ना दिखा पाई। यू हैव टू वेट एंड वॉच। आई एम वेटिंग। लेट्स गो फॉर ए ग्रीन टी। या शॉर्ट में भी टाइम बा। लेट्स गो। कैटरर हो गए, उनसे बात हो गई दादी। डेकोरेटर एंड लाइटिंग्स, उनसे भी बात हो गई। कल सवेरे ही आ जाइए तैयारी करे। पम्मी, ए पम्मी, कहा दादी कुछ काम रहेगा उनका से? अरे बेटा खाए के मेन्यू भी तो डिसाइड करके बाना। मेन्यू भी हम ताईजी से पूछ के फाइनल कर ले बानी। लो ई हो गई। ये तो पूरा घर के बागडोर अपन हाथ में ले लेलस। मिताली जल्दी से कुछ एकर करा ना, कैलू तो घर के चाबी भी एक मिल जाए और तोके कुछ ना मिली। दादी दादी, हम ना घर के सारा काम निपटा देले बानी। अब अगर एंगेजमेंट के कोनो काम होके कुछ तैयारी करे के बा तो हमके भी बताई ना, हम हो करब। अब तू का करबू, सारा काम तो प्रज्ञा अकेले ही कर देला। कोनो काम के नहीं की, केहू से बात ही ना करब हम। केहू हमार बात सुनेला ही ना। अब का हो गए, कैसे बात ना कर बे? दादी हमार फ्रेंड्स और के सही कहिला आप, पार्टी करे के बोला तो सब रेडी हो जाली, लेकिन हम जब हेल्प मंगनी एंगेजमेंट के शॉपिंग खातिर तो सब कह दली कि हम बिजी बानी, हमके ऊ काम बा, हमके ई काम बा। अरे लेकिन दादी एंगेजमेंट के कितना शॉपिंग करे के बा,
और हम अकेले सब कैसे करब दादी? बस इतना सा प्रॉब्लम, दादी के पास एगो जादू के छड़ी बा, घुमावते सारा काम हो जाला। प्रज्ञा तू चल जाए एकरा साथे। अरे बाकी लोग खातिर भी कपड़ा ले आवा दादी। लेकिन हम काहे, प्रॉब्लम का बा? हम की तो सभी की पसंद भी नहीं के पता। भाभी आप टेंशन काहे लेता नहीं, हम मानी ना हम आपके हेल्प कर। और दादी आप तो सच में हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी, यू आर अ ट्रू मैजिशियन। थैंक यू। अब का भईल, जाना सोच कर रहल बाड़ू कोनो प्रॉब्लम बात तो बतावा ना? ना दादी। तो फिर जाना, हम पर्स लेके आवत नहीं, आप रेडी हो जाए एंड वी लीव। जल्दी आई भा, लेट हो जाए। ये आलिया अचानक हमरे से इतना अच्छा तरह से कैसी बात कर रहल बिया? पता ना का चल रहल बा एकर दिमाग में। Excuse me, हमके कुछ रिच कलर में जैसे वाइन या ऐसा कुछ में अगर आपके पास होके तो दिखाई ना प्लीज। हेलो, तू हमारे पीछे पीछे काहे मडराता रू? तू ही तो कहले रहो कि ड्रेस सिलेक्ट करे में तारा मदद चाहिए। तहरा काला बता कि हम तहर बहन जी टाइप चॉइस के ड्रेस ले बाब, हम अपन मदद कर सकता नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। तहरा जी सिलेक्ट करे के बना ड्रेस घर वालन खातिर उकर ला, लेकिन हमके बॉदर मत करा। एक और चीज के खास ध्यान रखिए, जोन कपड़ा तू बाकी लोग खातिर लेबू हमने के घर के रेपुटेशन और क्लास के हिसाब से ली है। अपन उस शर्मा जी के सूट के दुकान जी से ना। कीप दैट इन माइंड ओके। लुक हुज हियर। हे हालिया, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। हाउ आर यू बेबी? वेरी फाइन, हाउ आर यू? नाराज पानी, अभी के शादी के बाद अब आ रहा है तू? यू नो स्वीटहार्ट हाउ इट इज। आई नो डार्लिंग, बड़ लोग बड़ा बिजी रह रहे हैं। एक बात बतावा, अभी इतना जल्दी शादी कहाँ कर लेलस और दोनों के साथ शादी कहाँ ना कर लेलस? और हम सुनले बानी कोई कोनो सिंपल टाइप के लेके से शादी के लेबा? कम ऑन यार, ही इज अ रॉक स्टार, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? हे यू लिसन, यस आई एम टॉकिंग टू यू। बैग उठावा और वहां रख दा एंड डोंट लिसन आवर कन्वर्सेशन। उफ, सो वेयर आई वाज? अभी भाई पा नॉटी गर्ल, हम अभी पे कैसे हो सकता है? नहीं, हम तो कर बीवी के बारे में बात करत रहनी। वैसे वो कहाँ भी है? आई नेवर सीन हर। अभी तक तो वही खड़ा बाड़ू, तोरा बिकाए काम खातिर असिस्टेंट की जरूरत बा? उफ, यू नो आजकल के असिस्टेंट, आई टेल यू ये लोग के इतना भाव बढ़ गया बाकी। एक्सक्यूज मी सर, या एक मिनट। या श्योर, प्लीज। सर जेके आप आलिया के असिस्टेंट समझता नहीं, सर वो प्रज्ञा बाड़ी, अभी के वाइफ। अभी के वाइफ? व्हाट, आर यू श्योर? व्हाट आर यू डूइंग बेबी? तू बैग कहाँ पकड़ा था? दे दे के हम पकड़ता नहीं। आई एम सो सॉरी, हमके पता ना रहे तू अभी के वाइफ बाड़ू। एंड लुक एट यू, हाउ प्रीटी यू आर। आई मस्ट से अभी के चॉइस अभी के जैसन बहुत है फैबुलस बा। आई एम इम्प्रेस्ड। लिसन एंडी, Listen darling, let me talk to her. You know she is the little celebrity. Look, dekhal chahi anki what she has gone wear. Sorry darling, tu ye bilkul na pehendu. No suit, no sari, and you have to get rid out of this class. Let me take this out for you. Wait, I will tell you what to wear, what not to. Aaj se hum abhi ke saath saath tohar bhi kapda design karab. पहला के बाद अभी तोरा से दोबारा शादी कर ली। हम ही नहीं की पहन सकत। अरे जस्ट ट्राई बेबी, कम ऑन, बी अ स्पॉट, चला कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो। या जस्ट गो। तू हमरा के बतेलू ना कि अभी के वाइफ बाड़ी? ओ वेट, जस्ट होल्ड ऑन, आई नीड टू गेट दिस कॉल। हेलो बबो। रॉकस्टार आलिया नहीं खे दिख रहा? यहीं पे कहूं हुई? हेलो सर, गुड टू सी यू हियर। एंडी कहां बा? सर एक्चुअली फोन पर के उसे बात कर रहल बाड़न। सर आप आई ना सर?
शो मी अ न्यू कलेक्शन। ओ वाओ, ई ड्रेस तरह पे बहुत अच्छा लगी। आई नो, ई तोहर फेवरेट कलर है। वो भी। आई विल बी राइट बैक। अबी माय डार्लिंग। हे बेबी। व्हेन डिड यू कम? लास्ट नाइट। वैसे तो स्टोर में अभी अलवानी। यू नॉटी बॉय, हमके मालूम बा तू यहाँ कहाँ आयल बाड़ा। देखल चाहता रहा ना कि हमारे नया ड्रेस में कैसन लग रहा बाड़ी है। वहाँ बाड़ी। गो एंड सी योरसेल्फ। थैंक्स एंडी। तनु माय डार्लिंग, कब आयलू तू? बस अभी आई नी। अभी कहाँ बाड़े? तू अभी से मिले आयल बाड़ू। सो स्वीट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। यू नो, तू दोनों अभी भी इतना अच्छा दोस्त बाड़ा ना, तो हमरा लगत रहे कि अभी के शादी के बाद। एनीवेज, अभी अपन वाइफ के साथ है माँ। ब्लू ड्रेस में इतना हॉट लग रहा है बाड़ू ना तू। इट्स मी योर लव अभी।